इस वीडियो के अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो डेटा एंट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास तीन हेडिंग्स मौजूद हैं, सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज़ और सैलरीज, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले सीरियल नंबर जनरेट कर लेता हूँ, या वन टाइप करते हैं, उससे नीचे वाले सेल में टू टाइप करते हैं और इन दोनों की रेंज बनाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कॉर्नर पे आते हैं। जब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर के, तो उसके बाद इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। 10 तक हमें सीरियल नंबर चाहिए थे, वो हमने जनरेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और उनकी सैलरीज़ की, ताकि हम उनकी एंट्रीज़ कर सकें बआसानी। वो उसके लिए आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड होता है। तो ये हमारे पास दूसरी शीट है, उसके अंदर मेरे पास ये डाटा मौजूद है। तो अब हम जो है इस डेटाबेस से अपने कुछ रिकॉर्ड्स लेके यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इसी शीट पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और इसकी सोर्स, इसकी रेंज हम दूसरी शीट से लेने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं लेगा। जैसे मुझे सेल पे एम्प्लॉयज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और डाटा के टैब में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये मुझसे सोर्स पूछ रहा है कि आपका डाटा कहाँ है, उसको सिलेक्ट करें। अब मैं यहाँ इस आइकन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं डेटाबेस की शीट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये नहीं जा रहा, इधर दूसरी शीट से ये डाटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रिक करनी पड़ेगी। हमें डेटाबेस के अंदर जाकर जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमें 10 रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि अली से लेके ओएस तक हैं, 1 से लेके 10 तक, अली से लेके ओएस तक हैं, और इनकी सैलरीज भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, अली से लेके ओएस तक की रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका एक नाम रख देंगे, जैसे मैंने पहले ही एक नाम रखा हुआ EMP लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो इस डाटा का एक नाम आ गया। उसके बाद इनकी जो सैलरीज़ हैं, 10,000 से लेके 55,000 तक की जो सैलरीज, उसका नाम जो आ रहा है सैलरी C3 आ रहा है, मैं इसका नाम SALARI ये सैलरीज रख के एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अली से लेके ओएस तक की जो डाटा रेंज थी हमारे पास, जो रिकॉर्ड्स थे, हमने उसका नाम EMP, एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट में EMP लिख दिया। और उसके बाद 10,000 से लेके 55,000 तक की जो सैलरीज थी, उसका नाम हमने सैलरीज रख दिया। उसके बाद हमें दोबारा अपनी शीट 1 पे जाना है और यहाँ हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी थी। तो अब हम जो है डाटा के टैब में जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सोर्स है, अब हम यहाँ इस आइकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सोर्स है। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और हमें ये एम्प्लॉयज़ नेम है और हमने डेटाबेस के अंदर इसका नाम EMP रखा था, तो हम EMP लिख के सिर्फ ओके प्रेस कर देंगे और हमारी लिस्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम सैलरीज़ की भी लिस्ट जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें डाटा के टैब में जाना पड़ेगा, फिर डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सोर्स में इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और हमने डेटाबेस के अंदर 10 रिकॉर्ड्स की जो रेंज बनाई थी, उसका नाम हमने सैलरीज रखा था, SALARIES। तो हम सैलरीज लिख के ओके प्रेस करेंगे और ये हमारे पास सैलरीज की भी लिस्ट जनरेट हो गई, ये देखें। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर देना है 10 रिकॉर्ड्स तक। ये हमारी जो ये लिस्ट बनी हुई है, हमने इसमें से पहले एक अली को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमें यहाँ से इन सबको ड्रैग कर देना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट सब पे अप्लाई हो जानी चाहिए। अब यहाँ से हम डेटा एंट्री बआसानी कर सकते हैं। अगर जैसे हमें यहाँ से नबील लेना है, नबील का नाम आ गया और फिर यहाँ पे नबील की सैलरी लेनी है 40,000, फिर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ हम काशान पे क्लिक करते हैं और काशान की सैलरी जो होनी चाहिए, अब ये हमने ड्रैग नहीं किया था तो हमें ये भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये अप्लाइड हो गया है सब जगह पर, ठीक है। तो अब काशान की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। काशान की वैल्यू हमने 25,000 रख दी। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम सेल्स पे क्लिक करते जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हम फिर सिलेक्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं इस सेल के अंदर, सेल नंबर 3 के अंदर अगर हम आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर
रहीम लेते हैं, फिर आगे रहीम की सैलरी जो है 50,000 रख देते हैं। फिर इसी तरीके से हम नीचे वाले सेल्स में आते हैं और हम ओवेस की सैलरी जो है 55,000 रख देते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो डेटाबेस से क्रिएट की जाती हैं, जो मैंने ट्रिक बताई। और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बेसिकली डेटा एंट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं।